आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फोल्डर के बारे में। ये वीडियो दो पार्ट्स में है, जिसमें पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे फोल्डर क्या है, साथ ही बताएंगे फोल्डर बनाना, फोल्डर ओपन करना, उसका नाम बदलना, उसमें फाइल सेव करना, किसी फाइल को सेव करते समय फोल्डर में सब फोल्डर बनाना और उसमें फाइल सेव करना, और बताएंगे कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। फोल्डर क्या है, ये जानने से पहले हमें फाइल के बारे में जानना होगा। जब हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो उस काम को सुरक्षित रखने के लिए हम उसे जिस रूप में सेव करते हैं उसे फाइल कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने इसके पहले MS Paint और Notepad वाली वीडियोस में देखा था कि हमने जो भी काम किया था उसे सेव किया था, और सेव करने पर वो फाइल के रूप में किस तरह की दिखाई पड़ रही थी, उनके फोटो भी हम दिखा रहे हैं। इसी तरह हमारे कंप्यूटर में जितनी भी सूचनाएं संग्रहित होती हैं, वे सभी फाइल के रूप में ही रहती हैं, और इस तरह हमारे कंप्यूटर में हजारों फाइल्स होती हैं। अब हमारे पास अलग अलग तरह के जो हजारों फाइल्स हैं, अगर हम उन्हें किसी एक स्थान पर रख देंगे तो उनमें से किसी एक फाइल को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पर इसका समाधान भी है। जिस तरह हम अपने घर में सभी कपड़ों को किसी एक अलमारी में और सभी किताबों को दूसरी अलमारी में रखते हैं, ठीक उसी तरह एक जैसी फाइल्स को एक स्थान पर रखने के लिए अलमारी की तरह ही कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से हम संबंधित फोल्डर में जाकर फाइल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में जो उपयोग अलमारी का है, वही उपयोग कंप्यूटर में फोल्डर्स का होता है, यानी फाइल्स को रखने के लिए फोल्डर्स का उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में फोल्डर दरअसल एक बैग की तरह होता है, जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग फोल्डर्स बनाकर उसमें सेव कर सकते हैं। यहाँ आप चित्र में फोल्डर का आइकॉन देख सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं फोल्डर कैसे बनाते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने कंप्यूटर की संभवतः किसी भी लोकेशन में फोल्डर बना सकते हैं। अभी हम आपको डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाकर दिखा रहे हैं। फोल्डर बनाने के लिए हम डेस्कटॉप के किसी भी खाली एरिया पर राइट क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही एक पॉपअप मेन्यू दिखाई पड़ेगा, जिसमें नीचे की ओर न्यू ऑप्शन है। इस पर माउस का पॉइंटर ले जाने पर या क्लिक करने पर एक सब मेन्यू ओपन होगा। इसमें पहला ऑप्शन है फोल्डर, और उसके आगे उसका आइकॉन भी दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए, हमारे डेस्कटॉप पर फोल्डर का आइकॉन आ गया है। इसका मतलब फोल्डर बन गया है। अब इसमें नीचे दिखाई दे रही पट्टी में आप अपने फोल्डर को जो भी नाम देना चाहते हैं वो टाइप कर दें। हम टाइप कर रहे हैं माई फोल्डर, और इसके बाद एंटर की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही फोल्डर में हमने जो नाम टाइप किया था वो आ गया है। इसी तरह आप कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में फोल्डर बना सकते हैं। आइए इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करें। ऐसा करते ही कंप्यूटर विंडो ओपन होगी। ध्यान रखें, कंप्यूटर विंडो में सीधे फोल्डर नहीं बनता है। हाँ, उसके अंदर बनी ड्राइव में फोल्डर बनाया जा सकता है। यहाँ दिखाई दे रही ड्राइव्स में से जिस भी ड्राइव में आप फोल्डर बनाना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। एक बात ध्यान रखें, प्रायः सभी सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में होते हैं, इसलिए आप सी ड्राइव में फोल्डर ना बनाएं। हम डी ड्राइव पर डबल क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहले बताए अनुसार किसी खाली स्थान पर पॉइंटर रखकर माउस का राइट बटन क्लिक करें, यहाँ से न्यू सिलेक्ट करें, अब यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट करें। देखिए, आपका फोल्डर डी ड्राइव में बन गया है। आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी लोकेशन पर फोल्डर बनाने का एक शॉर्टकट भी है। आप कीबोर्ड पर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ N की को प्रेस करें। ये देखिए, फोल्डर बन गया है। आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे दें। हम न्यू फोल्डर ही रहने दे रहे हैं।
अब या तो एंटर प्रेस करें या बाहर कहीं खाली स्थान पर पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर दें। ये तो हमने अभी आपको बताया फोल्डर बनाना। अब देखते हैं फोल्डर ओपन कैसे करते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला, आप फोल्डर पर जाकर उस पर डबल क्लिक कर दें। ऐसा करते ही फोल्डर ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, फोल्डर पर पॉइंटर रखकर उस पर राइट क्लिक कीजिए। आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ओपन। इस पर लेफ्ट क्लिक करें। ऐसा करते ही फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखिए, अभी हमने इसमें कोई फाइल सेव नहीं की है, इसलिए ये खाली नजर आ रहा है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि फोल्डर का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं उस फोल्डर पर पॉइंटर रखकर राइट क्लिक कीजिए। ये देखिए, एक मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन रीनेम दिखाई पड़ रहा है। इस पर जाकर क्लिक करें और अब यहाँ पर जो भी दूसरा नाम देना चाहते हैं वो टाइप कर दें। नाम टाइप करने के बाद या तो एंटर प्रेस करें या बाहर कहीं खाली स्थान पर पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर दें। देखिए, ऐसा करते ही आपके फोल्डर का नाम बदल गया है। आप फोल्डर का नाम जितनी भी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं। ध्यान रखें, फोल्डर के नाम में ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स दिखाई जा रहे हैं इनमें से कोई भी कैरेक्टर नहीं लिया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि किसी फाइल को फोल्डर में कैसे सेव करते हैं। यहाँ हमने नोटपैड खोलकर उसमें कुछ लिख लिया है। हम आपको याद दिला दें कि हमने नोटपैड वाली वीडियो में सीधे डेस्कटॉप पर फाइल सेव की थी, और अब इस वीडियो में फाइल को डेस्कटॉप पर सीधे सेव न करते हुए डेस्कटॉप पर बनाए गए फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए फाइल टैब पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ दिखाई दे रहे सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही सेव एज विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से सबसे पहले आपको उस लोकेशन पर जाना होगा जहाँ पर आपका फोल्डर है। हमने हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पर बनाया था, तो पहले यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। देखिए, अभी हमने जो फोल्डर बनाया था वो दिखाई पड़ रहा है। इसे ओपन करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं। ऐसा करते ही फोल्डर खुल गया है और ऊपर इसका नाम दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें हम अपनी फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर टाइप करके सेव पर क्लिक कर देंगे। अब इस नोटपैड को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइल सेव हुई या नहीं। उसके लिए फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए, हमने जो फाइल सेव की थी वो यहाँ दिखाई पड़ रही है। अब इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी फाइल को सेव करते समय फोल्डर में सब फोल्डर बनाना और उसके अंदर फाइल सेव करना। हमने नोटपैड ओपन करके इसमें कुछ लिख लिया है। अब मान लीजिए हम इस फाइल को डेस्कटॉप पर बने फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाकर उसमें सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें और यहाँ दिखाई दे रहे सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। सेव एज की विंडो आ गई है। यहाँ हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ जिस फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर बनाना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही फोल्डर ओपन हो गया है। अब इसमें किसी खाली जगह पर राइट क्लिक करें, फिर ओपन हुए मेन्यू में से न्यू पर क्लिक करें और अब यहाँ से फोल्डर पर क्लिक करें। फोल्डर को नाम दें और एंटर प्रेस कर दें। अब नीचे दिखाई दे रहे ओपन पर क्लिक करके हम इस नए बनाए फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ ऊपर फोल्डर और सब फोल्डर का नाम आ रहा है। यहाँ आप अपनी फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम दें और सेव पर क्लिक करें। इस तरह हमने फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाया और फिर उसके अंदर फाइल सेव कर दी है। ध्यान रखें, इसी तरह आप फाइल सेव करते समय किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करके उसमें फोल्डर बना सकते हैं। अब इस विंडो को बंद कर देते हैं।
अब यदि आप अभी सेव की हुई फाइल को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाकर उस फोल्डर पर डबल क्लिक करें जिसमें सब फोल्डर बनाया था। अब यहाँ सब फोल्डर पर डबल क्लिक करें। ये देखिए जो फाइल हमने इसमें सेव की थी वो दिखाई दे रही है। अब हम आपको बताते हैं कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। फाइल एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। फाइल के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, वर्ड, पीडीएफ, इमेजेस, वीडियोस, गाने इत्यादि। जबकि फोल्डर एक बैग की तरह होता है जिसमें आप ये सभी प्रकार की फाइल सेव करके रखते हैं। आप फाइल के अंदर फाइल नहीं बना सकते, जबकि कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में आप कितने भी फोल्डर्स बना सकते हैं और इसी तरह किसी एक फोल्डर में आप कितने भी सब फोल्डर्स बना सकते हैं। फाइल के अंदर फोल्डर नहीं आ सकता, लेकिन फोल्डर के अंदर फाइल आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने फोल्डर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको फोल्डर के बारे में कुछ और जानकारी देंगे।